हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम एट द एमसीजी एकेडमी ग्वालियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को 25 जुलाई के करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज है आप लोगों को 25 जुलाई। 25 जुलाई की करंट अफेयर्स की शेड्यूल में आप लोगों के लिए क्या क्या अवेलेबल है, मैं आपसे दिखाना चाहूँगा। पहला जो आप लोगों का क्विज का सेशन रहता है, तो 10 क्विज के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर की जो मुख्य हेडलाइंस रहती हैं, तो आप लोग दिखाना चाहूँगा। आप लोगों की न्यूज़पेपर की मुख्य हेडलाइंस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, दोस्तों जो कुछ भी हम आप लोग पढ़ाते हैं उसका PDF फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना है। ओके, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो आप लोगों का प्रश्न आज का दिया गया है वो है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन है आप लोगों का 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई। तो इसमें आप लोगों का 23 जुलाई ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। भारत में प्रत्येक वर्ष जो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। इस दिन क्या है कि 1927 में बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। भारतीय प्रसारण सेवा का नाम 1936 में बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। इसी के साथ ही आपको बताना चाहूँगा, भारत के किन संस्थान के साथ छात्रों ने कृषि संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए स्मार्ट एग्रीकॉप्टर बनाया है। ऑप्शन आप लोगों का है IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT मद्रास। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी IIT मद्रास आप लोगों का राइट आंसर होगा। IIT मद्रास के छात्रों ने जो है स्मार्ट कॉप्टर नाम का एक ड्रोन बनाया है, जो क्या है खेतों में हाथ से जो हम कीटनाशक छिड़कते थे वो ड्रोन की सहायता से छिड़के जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जितना भी हम कीटनाशक यूज करते हैं उससे हमारे शरीर पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो इन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है, इसके लिए इन्होंने इस ड्रोन का निर्माण किया है। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र नामक गैर सरकारी संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में वातावरण में पिछले एक साल के दौरान ओजोन के प्रदूषकणों की मात्रा में लगभग 1.5 गुना वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं कानपुर, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, तो ऑप्शन नंबर 20 में आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है, जिसका हम सूत्र कहें तो इसका सूत्र क्या होता है O3। और बात करें इसकी खोज किसने की थी, तो ओजोन की खोज एक जर्मन वैज्ञानिक थे, इनका नाम क्या था क्रिश्चियन फ्रेडरिक। इन्होंने इसकी खोज की थी 1839 में, ओजोन गैस की इन्होंने खोज की थी। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है क्या है, हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में OBC आरक्षण 14% से बढ़कर कितने फीसदी हो गया है। तो ऑप्शन आप लोगों का है 27%, 17%, 22% और 29%। तो इसमें 27% आप लोगों का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत दिनों से ये बिल पर बात चल रही थी, ये अब आखिरकार पास हो ही गया है। तो मध्य प्रदेश में जो है 27% जो MP गवर्नमेंट की जॉब्स होंगी उसमें 27% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ जो सीधी भर्ती वाले पद होते हैं उनमें आयु सीमा 40 वर्ष तक कर दी गई है, पहले इसमें कितनी थी 35 ईयर थी। ओके, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, हाल ही में किस देश ने कार्बन टैक्स की शुरुआत की है। तो बात करें कार्बन टैक्स की, तो ये किस देश ने शुरुआत की है, ऑप्शन है आप लोगों का दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। तो इसमें दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। दक्षिण अफ्रीका द्वारा यह टैक्स 1 जून 2019 से लागू किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो है कार्बन टैक्स किस देश ने शुरुआत की है, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका ने, और शुरुआत कब से हुआ 1 जून से। दक्षिण अफ्रीका ने प्रदूषण के मामले में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया और वहाँ के लैंडफिल जल्द ही भरने वाले हैं। कार्बन टैक्स प्रदूषण पर नियंत्रण करने का एक साधन है, जिसमें जो कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन, वितरण एवं उपयोग पर शुल्क लगाया जाता है। ओके, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, थेरेसा मे द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आप लोगों का है क्या है, बोरिस जॉनसन और एडवर्ड ल्यूक, जेरेमी हंट, कार्ल पाक्सन। तो आप लोगों का इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर होगा। बोरिस जॉनसन आप लोगों के जो है वहाँ के यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ के साथ जो समझौता हुआ है, इसी के साथ ही ये वहाँ के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ब्रेग्जिट पर यूरोप संघ के साथ समझौते को संसद ने पास ना करा पाने के कारण थेरेसा मैंने जो है पिछले दिनों में इस्तीफा दे दिया है, उसी के स्थान पर बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि शायद से इतिहास में पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री किसी एक छोटे से बात कंप्लीट ना हो पाने के कारण जो पद इस्तीफा पद दे दिया। उसी के साथ ही नए कौन बने हैं, तो नए बने हैं आप लोगों के बोरिस जॉनसन।
ओके, और इससे पहले कौन थे, थेरेसा मे। ओके, तो इसी के साथ ही चुनाव में जो है बोरिस जॉनसन का मुकाबला जेमरी हंट से था, जो जेमरी हंट जेरेमी हंट इसमें हार चुके हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, भारत ने अभी हाल ही में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत द्वारा चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के बाद किस देश ने भारत के साथ मिलकर अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है। ऑप्शन आप लोगों का है अमेरिका, चीन, रूस और इजराइल। तो इसमें आप लोगों का क्या राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी चीन आप लोगों का राइट आंसर होना चाहिए। आप लोगों को पता है शुरुआत से मतलब ही दुनिया है, इससे पहले चीन ने कभी हमारा साथ नहीं दिया, और ये चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के बाद भारत को बधाई भी दी और साथ में ही उसके साथ काम करने की भी इच्छा व्यक्त की। दोनों देश वर्तमान में अपने अपने अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में आपको बता देना चाहूँगा स्पेस में जो स्टेशन है अंतरिक्ष स्टेशन भारत का नहीं है, लेकिन काम चल रहा है, 2022 तक भारत के पास स्टेशन होगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, IMF इसको कहते हैं, ने भारत की एक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 2019 के लिए 7.3% घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो इसमें ऑप्शन जो आप लोगों का दिया गया है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी 7% आप लोगों का राइट आंसर होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों कल भी लेकर के आया था। IMF ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर थी 7.5% घटाकर 7.2 कर दिया था। इसके साथ ही हालांकि कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था जो है भारत की रहेगी, उसकी वृद्धि की दर जो है चीन से अधिक रहेगी। IMF ने कहा कि नीति के समर्थन की वजह से चीन की वृद्धि दर 2019 में 6.2% और 2020 में 6% रहने का अनुमान है। बहुत ही अच्छी बात है, यदि ऐसा अनुमान है तो इसमें अपनी को परेशानी क्या है। इसके साथ भी हम जो है विश्व में पहले नंबर पर हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि सबसे देश की जो विश्व की सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्था है वर्तमान में वो भारत की है। इसी के साथ ही अपना अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग बल्लेबाजों में ताज़ा रैंकिंग के साथ ही 922 अंकों के साथ किस भारतीय खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहे हैं। शीर्ष स्थान पर रहे हैं बल्लेबाजी के कारण, लेकिन मैं आपको हिंट देना चाहूँगा कि वो अच्छे कैप्टन नहीं हैं। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, KL राहुल। तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली राइट आंसर होगा। 913 अंकों के साथ जो है न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे स्थान पर रहे हैं, और 881 मीन्स 881 अंकों के साथ भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर और पुजारा तीसरे स्थान पर रहे हैं। बताइएगा चेतेश्वर और पुजारा जो कभी मैच बहुत ही कम खेलते हैं, मतलब मैंने देखा है कोहली की अपेक्षाकृत बहुत कम मैच खेले इन्होंने, तो तीसरे स्थान पर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टीम रैंकिंग में भारत पहले स्थान पर, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर, दक्षिण अफ्रीका तीसरे स्थान पर और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पाँचवें स्थान पर हैं। इनके लिए शर्मनाक बात है, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है शायद से। इसके साथ ही आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है क्या है, केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत कितने और हवाई जहाज मार्गों को जोड़ा है। तो ऑप्शन आप लोगों का है 7, 8, 9, 10, वेरी इजी ऑप्शन थे, जल्दी से पड़ गए हैं। तो इसमें केंद्रीय मंत्री ने जो है 8 नए विमानों को खोलने की जो अनुमति दी है, तो ऑप्शन नंबर 20 में आप लोग राइट आंसर होगा। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय ने उड़ान योजना में 8 नए हवाई मार्ग जो है उनको जोड़ा गया है। इसके साथ ही 8 जो नए हवाई मार्ग हैं वो गोवा, गोवा मैसूर, गोवा हैदराबाद, मैसूर हैदराबाद, और मीन सीधी सीधी बात आप लोगों को देख रही होगी मैसूर को जोड़ने की कोशिश की गई है, कलकत्ता शिलोंग है, शिलोंग कलकत्ता, इसमें एक जो मोस्ट कनेक्टिविटी रखी गई है, तो इसका मुख्य उद्देश्य उनका यही रहेगा। इसी के साथ ही आप लोगों का 25 जुलाई का कुछ का सेशन समाप्त होता है। आगे मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर की जो मुख्य हेडलाइंस हैं उनकी ओर ले जाना चाहूँगा। तो देश में अब तक सामान्य से 29% कम बारिश हुई है, 17 राज्यों की स्थिति अभी भी गंभीर है, छाता खड़े होकर जो है बच्चे फोटो खिंचवा रहे हैं, बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। असम के बक्सा जिले में भारी बारिश के चलते एक पुल जो है ढह गया है, तो मीन्स मैं सोच रहा हूँ कि ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, ये लोग तो जो है पुल ढह गया है तो फंसे हुए लोग हैं। 1 जून से 23 जुलाई के वो सामान्य स्थिति में जो है 375.5 mm जो है बारिश हो चुकी है, इस दौरान जो है 304.5 mm की बारिश हुई। देश के 3 राज्यों में सामान्य से अधिक और 16 राज्यों में सामान्य वर्षा हुई है, लेकिन मुझे लगता है MP में तो सामान्य वर्षा भी नहीं हुई है, और यहाँ तक कि ग्वालियर की बात करें तो वर्षा हुई नहीं है, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है इनसे डाटा में। इसी के साथ ही अगला जो आप लोगों का हेडिंग है क्या है, 49 हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और कहा कि जय श्री राम हिंसा भड़काने का नारा बन गया है। बिल्कुल ही सही बात है, आप बंगाली क्षेत्रों में जाके देखिए तो बिल्कुल ऐसा ही आपको माहौल देखने को मिलेगा, यदि आपने जय श्री राम कह दिया और यदि वहाँ कोई आपका विरोधी हुआ
शायद हो सकता है गर्दन अलग मिले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्र लिखने वाली हस्तियों में जो है फिल्मकार अनुराग कश्यप जो बहुत ही महान कलाकार रहे हैं, जिसके साथ ही मणि रत्नम और इतिहासकार रामचंद्र गुहा और अभिनेत्री कोई सेन शर्मा जी हैं, तो इनके साथ ही इन्होंने भी इनको पत्र लिखा है। बहुत ही अच्छी बात है। और पत्र के अनुसार जनवरी 2009 से 29 अक्टूबर 2018 के बीच धर्म की पहचान के आधार पर 254 हिंसा घटनाएं हुई हैं, जो कि भारत जैसे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन मैं कैसे कह सकता हूँ, इसी देश में पला बड़ा बड़ा हुआ हूँ, तो इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए। आज का युवा वर्ग इतना सजग हो चुका है कि उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपका धर्म अच्छा है तो दूसरे का भी धर्म अच्छा है और रहेगा। तो इसमें आप लोगों को अंदर से थोड़ा अपने अंदर यदि आप जगाना चाहते हो तो इसी भावना को जगाइए। इसी के साथ ही मई 2014 के बाद आपकी सरकार सत्ता में आई, अब से ऐसे 90% मामले दर्ज हुए हैं, मीन्स 10% का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। कश्मीर मध्यस्थता की बात करें तो ट्रंप के आर्थिक सलाहकार ने कहा कि राष्ट्रपति अपनी तरफ से कभी बात नहीं करते। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत ही कम बोलने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मोदी ने उनसे कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता बनाने की अपील की थी, बिल्कुल कही होगी। इसी के साथ ही भारत की ओर से दावा खारिज किए जाने के बाद अमेरिकी संसदों ने भी ट्रंप की आलोचना की। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो ने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति का बचाव किया और कहा अमेरिकी विदेशी विभाग की साफ सफाई जो कर्मचारी भारत पाकिस्तान के बीच मुद्दा, हम सिर्फ मदद को तैयार हैं। तो मैं कहना चाहूँगा ऐसी मदद हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि तो पाकिस्तान ने, हम यदि चाहें भी तो पाकिस्तान को आर्थिक स्थिति से बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस देश को बाहर निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो हमारा एहसान भी ना माने और हमारे कर्जों पर पहले से ही दबा हुआ है, उसके बाद भी जी हमको आंखें दिखाता रहता है। तो इसको विदेशों में यदि कुछ मांगना चाहता है तो मांगने दीजिए, बस अपने अंदर इतना थोड़ा राष्ट्रीय बात जगा के ज़रूर रखिएगा। इसी के साथ इसका डिटेल दिया गया है। पाक प्रधानमंत्री ने कहा है पाक में 40 आतंकी संगठन सक्रिय थे, ये थे शब्द इन्होंने बहुत ही गलत लगा दिया, अभी भी मैं कह सकता हूँ 40 से ज़्यादा हैं। लेकिन अमेरिका को सच्चाई नहीं बताई, क्यों अमेरिका को नहीं बताई, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। इसी के साथ ही पुलवामा हमले में जो जैश ए मोहम्मद जो संगठन था, इसका नाम सबसे पहले सामने आया, इसीलिए हमले को पाक से जोड़ा गया। उन्होंने कहा जब अमेरिका चाहता था कि हम आतंक के खिलाफ लड़ें तब अपना ही अस्तित्व तो बचा रहे थे। इसी के साथ ही इमरान ने कहा लंबे समय से अमेरिका के सामने पाकिस्तान की ठीक छवि पेश नहीं की गई। कैसे की जा सकती है दोस्तों, वहाँ पर खाने के लाले पड़ रहे हैं और आप कह रहे हो ठीक छवि पेश नहीं की गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत ने पहली बार अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास शुरू करने की तैयारी की है, यह भारत की बढ़ती सफलताएं आप लोग देख सकते हो। मैं कहना चाहूँगा मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस बात को महसूस कर सकते हो जब से मोदी जी आए हैं कितना विकास हमने महसूस किया है। आप यदि ऐसा चाहते हो कि खाते में सीधे रुपये आए तो ये विकास नहीं है, ये तो बहुत ही नालायकी की बात है कि आप युवा होने के बावजूद भी आप कुछ करना नहीं चाहते हो, चाहते हो अकाउंट में पैसे आ जाएँ। बहुत ही घटिया सोच है आप लोगों की, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आंतरिक युद्ध अभ्यास एक अपने आप को भारत को सशक्त बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही चीन भी इसमें जुटा हुआ है, तो बस सोचिएगा हमारी टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत आगे है, इसको नहीं सोच सकते हम। भारत भी एक ऐसा राष्ट्र है जो विश्व में बहुत सी स्थितियों में बहुत रैंकिंग नीचे नहीं जाने देता, टॉप 5 में लगभग अपनी पोजीशन बना के रखता है। 25 और 26 जुलाई को यह युद्धाभ्यास शुरू होगा और पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से तैयार किया हुआ है। इस अभ्यास को जो नाम दिया जाएगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे इंडिया इंड स्पेस EX नाम दिया गया है। तो मोस्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है वो यही बनता है कि जो युद्धाभ्यास किया गया था इसका डेट पूछा जाएगा, तो डेट मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ कि 25 से 26 जुलाई को होगा और इसका नाम जो है इंड स्पेस एक्स रखा जाएगा, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकायदा तो आप जानते ही, जब युद्धाभ्यास चल रहा है तो युद्ध की तैयारी चल रही है, हालांकि युद्ध हमें किसी से करना नहीं है। और इसी के साथ ही जो भी वेपन्स यूज होने वाले हैं उनका भी आपको डिटेल दिया गया है। तो इसी के साथ आप लोगों का पूरा PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको आप लोग डाउनलोड कीजिए और पढ़िएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपको चैनल पर जो है बहुत ही जल्द आपके लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होने वाली हैं। इसी के साथ ही मैं आप लोगों 25 जुलाई का करंट अफेयर समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।